नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पैरानॉइड डेल्यूजनल डिसऑर्डर के बारे में। ये एक मानसिक बीमारी है, ये भ्रम विचारों का भ्रम है उसकी बीमारी है, और ये काफ़ी लोगों को रहती है मगर वो समाज में दिखते नहीं है वैसे कि वो पागल है या ऐसा कुछ है। तो उसके बारे में जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। पैरानॉइड डिल्यूजन डिसऑर्डर ये क्या है? ये है लोगों को एक फिक्स डिल्यूजन, मतलब एक विचारों का भ्रम है और वो पक्का है, पक्का बिलीफ है उसको, वो विचार है उसका। और विचार ऐसा है कि लोग मुझे कुछ से भी हानि पहुंचाएंगे, कुछ से भी हार्म करेंगे, और हो सकता है कि वो मेरे को मारेंगे या पकड़ के ले जाएंगे। हो सकता है वो पुलिस पीछे लगी है, या ऐसा कोई एक व्यक्ति है या कोई अननोन व्यक्ति है कि जो उसको हानि पहुंचाने वाले हैं। एक तो वह अटैक करेंगे या उसको जहर खिलाएंगे और उसको मार डालेंगे, या उतना ही उसको रहता है डिल्यूजन, और बाकी सब वो नॉर्मल रहता है। मतलब ये लोग बाकी काम पे जाएंगे, काम धंधा बराबर करेंगे, स्नान करेंगे, कपड़े वगैरह अच्छे पहनेंगे, बाकी उनके रिश्ते अच्छे रहते हैं, मगर सिर्फ ये पक्का रहता है विचार कि कोई तो भी मुझे हानि पहुंचाने वाला है और लोग मेरे खिलाफ है। और बाकी फिर उसका ना अपने आप से बात करेगा या कुछ अपने आप से बड़बड़ करेगा या बाकी स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ भी लक्षण उसमें दिखाई देते नहीं है। एक तो लोगों को लगता है कि भाई जो कुछ व्यक्ति है गांव के वो मेरे पीछे है या फिर पुलिस मेरे पीछे है। अब मेरे पास में एक पुलिस वाला आया था, वो खुद पुलिस डिपार्टमेंट में कॉन्स्टेबल है, और उसको ऐसा लगता है कि भाई CBI के जो लोग है वो उसको हरदम वॉच करके रहते कि ये हेरगिरी कर रहा क्या, ये पाकिस्तान का आदमी है क्या या और कहीं का आदमी है क्या, ये ऐसा उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे ऊपर नज़र रख रहे हैं और मेरे को ये नज़र रख के कुछ तो भी मेरे को कर लेंगे। और इसलिए अभी धीरे 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 क्या हो गया कि उसने ऑफिस में जाना भी कम कर दिया। एक व्यक्ति आया था, उसको ये था कि नहीं मेरी पत्नी जो है वो मुझे मार रही है, मतलब मारने की वो साजिश कर रही है, मुझे वो जहर खिलाएंगे, मार डालेंगे, और क्योंकि उसका और कहीं अफेयर है और वो शादी करने वाली है वो लड़के के साथ में, ऐसा। तो ऐसे बहुत रहते हैं, बाकी उनका स्किज़ोफ्रेनिया के कोई लक्षण दिखाई देते नहीं है, ये फिक्स डिल्यूजन रहता है। ये लोग काफ़ी होंगे समाज में मगर आपको मालूम नहीं रहता क्योंकि वो वैसे पहचाने नहीं आते। इनका इलाज यदि जल्दी किया तो ठीक है, वो अच्छे हो सकते हैं। इलाज दवाई से, साइकोथेरेपी से, सम्मोहन उपचार से कर सकते हैं, फैमिली थेरेपी से कर सकते हैं, सपोर्टिव साइकोथेरेपी से कर सकते हैं। और अर्ली स्टेज में इलाज किया पहले प्रथम पायदान में तो पूरा नॉर्मल ही हो सकते हैं, और नहीं किया तो फिर वो स्किज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो सकते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया की जो बीमारी छिन्न उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इनका इलाज करना जरूरी है। ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाओ ताकि वो व्यक्ति तक ये पहुंच जाएगा जिसको ये प्रॉब्लम है, या वो व्यक्ति तक पहुंच जाएगा जिसके घर में ये प्रॉब्लम है, और वो उनका इलाज कर सकेंगे, अपने अपने साइकेट्री से इलाज कर सकेंगे, या हमारे से ऑनलाइन कंसल्टेशन लोग कर सकते हैं। हम ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं और उनका इलाज करते रहते हैं। आप हमको कभी रोटरी में, लॉयंस में बुला के, वहाँ भी हमारे भाषण रख के लोगों को एक मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन और मेंटल हेल्थ के बारे में एजुकेशन हम देते, उसके लिए भी आप हमको आमंत्रण दे सकते हैं। और लोगों तक हमारा जो मिशन है कि मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन और सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, उसमें आपका भी इस तरह से हाथ लग सकता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।